नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का नाम है, जब तक आपको पूरी मंजिल नहीं दिखती तब तक आप एक्शन नहीं लेते। तो क्या हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें एक्शन लेना चाहिए। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। जब आप अपने घर से कार निकालते हैं और आपको अगर आपके ऑफिस तक जाना होता है, तो क्या आप, जब तक आपको ऑफिस नहीं निकलता दिखाई देता आपको घर से निकलते ही, क्या आप अपना सफ़र शुरू नहीं करते हैं? शायद नहीं, आप सफ़र शुरू कर देते हैं और आप ये सोचते हैं, आप दिमाग में रखते हैं कि यार आपको ऑफिस पहुंचना है। आपका ऑफिस आपको दिखाई भी नहीं था, बट आप कार ड्राइव करते जाते हैं, ड्राइव करते जाते हैं। अब मान लीजिए कि आधे घंटे का रास्ता है या एक घंटे का रास्ता है, आप आधे घंटे एक घंटे लगातार उस सड़क को देखते हुए ड्राइव करते जाते हैं और आपके ऑफिस पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आपको मंजिल का सिर्फ अंदाज़ा था कि आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, और आपको बाकी जो रास्ते में क्या हर्डल्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है वो नहीं पता था। फिर भी आपने एक्शन लिया, और रास्ते में कई हर्डल्स भी आते हैं। कई बार रेड लाइट्स आती है, कई बार जेब्रा क्रॉसिंग आती है, कई बार कहीं धरना हो रहा था, कहीं कुछ और भी चीज़ें हो रही होती हैं, और आप रुकते हो, देखते हो, फिर आगे बढ़ते हो और अल्टीमेटली अपने ऑफिस पहुंच जाते हो। यही चीज़ हमारे साथ हमारे लाइफ में भी होती है कई बार, कि हम कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी तौर पर नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, कई अपॉर्चुनिटी है। जैसे बुक्स रीडिंग है, कुछ नए चैलेंज लेने हैं, कुछ बिजनेस स्टार्टअप, कुछ एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करनी है। हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ तक और कैसे जाएंगे, बट हम एक्शन लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये लगता है जब तक हमें पूरी क्लियरिटी नहीं मिल जाती, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, हम शुरू नहीं करेंगे। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम एक्शन ही नहीं लेते हैं। हम वेट करते रहते हैं कि हमें जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी उसके बारे में, हम शुरू नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। जब आप फर्स्ट क्लास में थे, आपको क्या पता था कि आप ग्रेजुएशन में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो या पीजी में पढ़ने वाले हो? नहीं मालूम था। आपने शुरुआत करी, पहले का खा गा सीखा, ABCD सीखी, धीरे 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 आप वहाँ पहुँचते गए, बिकॉज आपने अपनी स्किल्स वैसे धीरे धीरे डेवलप करते गए। ऐसे ही आप अगर कोई बिजनेस या कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कुछ पता हो, जैसा कि आज आपके कॉम्पिटिटर या बड़े एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहले से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप उस रास्ते पर काम करना शुरू करोगे, तो धीरे 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 वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप सीखते जाओगे। आप पहले A सीखोगे, फिर B सीखोगे, फिर C सीखोगे, और अल्टीमेटली Z तक पहुंच जाओगे, और आप एक दिन वो काम में सक्सेसफुल और एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर या एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल सेटअप शुरू कर चुके होगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको आज से, अभी से एक्शन लेना शुरू करना है उस तरफ जहाँ आप जाना चाहते हो। ये नहीं सोचना है कि जब तक आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि पहला पेज तो आप पहले ही दिन ही पढ़ोगे ना, पहले पेज से ही तो शुरुआत करोगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरी बुक एक मिनट में पढ़ लोगे, पहला पन्ना पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, तभी तो वो चीज़ समझ में आएगी। तो दैट्स अ की थिंग, यू शुड स्टार्ट, डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट और राइट थिंग और राइट एनवायरनमेंट। अगर आप राइट थिंग, राइट एनवायरनमेंट और इस सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ोगे, तो आप कभी एक्शन नहीं ले पाओगे। मैं अपनी ही बात करूँ, जैसे ये यूट्यूब जर्नी एंड ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पता था भाई What is the mean of YouTube and all? मैं तो बस देखता था कंटेंट और चीज़ें समझता रहता था, बट कुछ फ्रेंड्स मिले, कुछ ग्रुप मिला, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई ऐसा कर सकते हैं। सो आई थॉट why should I restrict my ideas, why should I restrict my thoughts to myself, why don't I share? Might be किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी को अच्छा लगे, कोई इसके बारे में जाने। मोनिटाइजेशन एंड ऑल दैट, इट्स अ बिग थिंग जो कि हम बाद में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड एक्सप्रेस योर आइडिया। आप बोलना तो सीखो, बताना तो सीखो, लोगों को अच्छा तो लगे, हो भी सकता है कि किसी को लगे ही नहीं अच्छा, बट आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, चीज़ें जान सकते हो, सीख सकते हो। कुछ भी गलत या सही नहीं है, हमें बस कोशिश करना शुरू करना है। जब हम शुरू करेंगे तो धीरे 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 टेक्निक भी मिलेंगी कि नहीं यार ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं ऐसे करते हैं, थंबनेल ऐसे बनाते हैं, यूट्यूब का टैगिंग ऐसे करते हैं, कैमरा ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी ये होना चाहिए, इसमें लाइट्स ऐसी होना चाहिए, स्टैंडी ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे 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 सीखते हैं और फिर हम धीरे धीरे चलते जाते हैं। तो अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कैमरा कैसे ढकते हैं, बट धीरे 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 मैंने सीखा, और अभी भी मैं पूरा कुछ सीखा नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग, एंड मैंने ये रास्ता नहीं छोड़ा है। व्हाई आई एम नॉट लीविंग दिस? बिकॉज आई लाइक इट।
मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। हमारी एक नया परिवार, एक नई कम्युनिटी बन रही है जहाँ हम एक अच्छी बातें कर रहे हैं, जहाँ प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं। हम ये फालतू की जो ऊटपटांग चल रही चीज़ें चलती रहती हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें भी वायरल हैं, उस पर ना बात करके कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, जिससे कि हम आने वाली जनरेशन में कुछ अच्छा इनपुट दे सकें, हम अपने लिए भी कुछ अच्छे इनपुट्स निकाल सकें और एक अच्छी चीज़ों का एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकें। ये हाथरस और निर्भया इन सब से तो अच्छा ही सोच रहे हैं ना, कुछ बकवास नहीं देख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, क्योंकि वो सब जो हो रहा है वो भी तो वहीं कोई कोई घटिया चीज़ें देखने की वजह से तो दिमाग में गया उन सब यूथ के, और वो उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं। तो घटिया चीज़ें नहीं देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, प्रोडक्टिव चीज़ देखेंगे, प्रोडक्टिव बातें करेंगे, तो हम सब प्रोडक्टिव बनेंगे और हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे अपनी लाइफ में। सो दैट्स अ की इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को रोको मत, टेक द एक्शन। कल संडे है, आप क्या नया शुरू करने वाले हो, राइट डाउन एंड सेंड इन दिस कमेंट बॉक्स कि आप किस रास्ते पे आज कल आपने संडे पे पहला स्टेप लेना शुरू किया और आप उस स्टेप को कंटिन्यू रख सकते हो। ये कुछ भी हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकता है, कुछ आर्टिकल लिखना हो सकता है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो सकता है, या आपका कुकिंग हैबिट्स है, कुछ भी एक ऐसा चीज़ जो आप शुरू करना चाहते हो आप शुरू कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। थैंक यू, गुड नाइट।